वही राजधानी देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी की बैठक का दौर लगातार जारी है। इसके तहत ही कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत प्रदेश प्रभारी और कई गणमान्य नेता देहरादून आ चुके हैं। साथ ही साथ वार रूम बनाकर कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ दिन में स्क्रीन कमेटी की बैठक भी आयोजित की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है और हमारे यहाँ कल स्क्रीनिंग की बैठक है। उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर पहुंचेगी और जिन लोगों को भी पार्टी चुनाव देगी सब पूरा संगठन मिलजुल कर जोर शोर से चुनाव लड़ेगा।